बड़ी जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब कराते चलते हैं, जो इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर अंबाला से ये जानकारी, जहां एसपी ऑफिस का घेराव करने निकले हैं आंदोलनकारी। तो एक बार फिर से आंदोलनकारी घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राकेश टिकैत इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कल रात आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसके बाद से आंदोलनकारी और भी तेज आंदोलन करते हुए नजर आए। और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, जो कि अंबाला से आ रही है और सड़कों पर ये जनसैलाब आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मौजूद है। यहाँ आपको बता दें कि लगातार जो प्रदर्शन है आंदोलनकारियों का वो जारी है, नारेबाजी जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर अंबाला से। और आपको ये जानकारी दे दें कि कल रात की अगर बात करें तो कई आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से तनाव का माहौल है आंदोलनकारियों के अंदर और लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए ये आंदोलनकारी निकले हैं। और ऐसे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो आपको बता दें कि राकेश टिकैत भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि अंबाला से आ रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से ज्यादा जानकारी के साथ। हरप्रीत, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो है इस वक्त सामने आ रही है, काफी स्थिति तनावपूर्ण पालन है। किसान और जो पुलिस है वो आपने सामने यही कहा जा रहा है कि जब तक गिरफ्तार किए गए किसान को यहाँ नहीं किया जाएगा तब तक किसान डटे रहेंगे। और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में जो है वो भी अंबाला पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त स्थिति जो है अंबाला में काफी तनावपूर्ण बताई जा रही है। जी हरप्रीत, कितने आंदोलनकारियों को यहाँ गिरफ्तार किया गया था कल रात? जी देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है वो 100 से कम 150 जो किसान हैं उन्हें देर रात यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर किसानों की मीटिंग का ऐलान किया जाता है कि अंबाला के एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। और अब एसपी ऑफिस का महज 100 कदम की दूरी पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोका है। लेकिन यहाँ से प्रशासन की तरफ से न्यौता भी दिया गया है किसानों के लिए, आइए बातचीत करते हैं, बातचीत के बाद फसले का हल होगा। लेकिन किसान यही कह रहे हैं फसले का हल तभी होगा जब हमारे साथियों को रिहा किया जाएगा। बिल्कुल हरप्रीत, और जिस तरह से जानकारी आ रही है कि राकेश टिकैत भी शामिल हो सकते हैं, तो क्या इसको लेकर पुख्ता जानकारी आई है अभी तक, कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए किसानों की तरफ से यहाँ मंच को ऐलान कर दिया गया है कि राकेश टिकैत जो है वो कुछ ही देर में अंबाला पहुंचेंगे। तो देखने वाली बात यही होगी कि बातचीत के लिए टिकैत के आने का इंतजार किया जाता है या उससे पहले किसानों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो प्रशासन से बातचीत करता है। हरप्रीत, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जैसा कि अभी आपने बताया कि किसान जो आंदोलनकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस भी आमने सामने है, बातचीत की बात कही जा रही है, स्थिति इस वक्त किस तरीके की है वहां पर? स्थिति की अगर मैं बात करूं तो स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण है। किसान जो है इस वक्त नारेबाजी सरकार प्रशासन के खिलाफ करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो पूरी तरह से बैरिकेड के पीछे यहाँ पर तैनात कर दी गई है, मुस्तैद पुलिस कर्मी है यहाँ पर। लेकिन बात बार बार किसानों की तरफ से यही कही जा रही है कि आप ही रिहा होंगे तभी यहाँ से पीछे हटेंगे, अन्यथा इसी तरह से ये मोर्चा जो है यहाँ पर डटा रहेगा। हरप्रीत, तो क्या आंदोलनकारियों को छोड़ने को लेकर किसी तरीके की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक निकल कर सामने आई है? जी देखिए, किसानों के साथ अभी पुलिस की बातचीत हुई थी, उसमें पुलिस की तरफ से यही कहा गया है कि आप आइए हमारे साथ बात कीजिए, उसके बाद ही जो है तो किसानों को बताया जाएगा कि किस जुर्म में किन धाराओं के तहत किसानों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी किसान जो है वो बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ ही देर में बातचीत होने होती हुई भी यहाँ पर नजर आई, तो उसके बाद ही स्थिति जो है वो। क्या एसपी ऑफिस तक पहुँच चुके हैं आंदोलनकारी हरप्रीत? देखिए, एसपी ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर किसान यहाँ पर मौजूद है, एसपी ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। शंभू बॉर्डर से हजारों की तादाद में किसान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेड्स लगाकर रोका गया है और यहीं से अब बातचीत के लिए न्योता प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। चलिए हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा ताजा अपडेट पर। तो एसपी ऑफिस के घेराव के लिए हालांकि ये निकले हैं आंदोलनकारी, लेकिन इन आंदोलनकारियों को पुलिस के द्वारा लगातार रोका जा रहा है और एक बात भी कही जा रही है कि बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि जो 100 के आसपास उनके आंदोलनकारियों को कल रात गिरफ्तार किया गया है, पहले उन्हें छोड़िए, आगे की बात तभी होगी। और इसी बात पर जो पेच है वो फंसा हुआ है और इस बीच जो जानकारी आ रही है, जिस तरह से भी हमारे संवाददाता हरप्रीत ने बताया कि जो तमाम आंदोलनकारी है उनसे बातचीत भी हुई, तो आंदोलनकारियों का कहना है कि अब से कुछ देर बाद राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि कल रात हुई आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के बाद से आंदोलनकारियों में
तनाव का माहौल है, जिसके बाद से आज ये तस्वीरें देखने को मिल रही है जो कि अंबाला से आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जनता टीवी आपको सबसे पहले दिखा रहा है ये तस्वीरें, अंबाला की तस्वीरें। कल रात हुई आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के बाद से ये देखने को मिल रहा है माहौल, जहां तनाव का माहौल बना हुआ है। आंदोलनकारी एसपी ऑफिस की तरफ आगे बढ़े, हालांकि इस वक्त की अगर स्थिति की बात करें तो एसपी ऑफिस से महज कुछ कदम की दूरी पर जो आंदोलनकारी हैं वो रुके हुए हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। हालांकि आंदोलनकारियों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और जब तक जो आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया है वो नहीं छोड़ दिया जाता, तब तक प्रदर्शन इसी तरह से आगे चलता रहेगा। हालांकि जो जानकारी हरप्रीत ने अभी दी है उसके अनुसार पुलिस प्रशासन की तरफ से बाबा कहा जा रहा है पहले बातचीत कर लीजिए और रोका जा रहा है आंदोलनकारियों को, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तमाम जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। लेकिन फिर भी तस्वीरें जो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से आंदोलनकारी यहाँ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार अंबाला से, जहाँ सड़कों पर जनसैलाब है, तो एसपी ऑफिस के कुछ कदम की दूरी पर ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, डबल बैरिकेटर्स हैं ये। इन आंदोलनकारियों को रोकने की तमाम जो कोशिश है पुलिस कर रही है, हालांकि पुलिस और ये आंदोलनकारी आमने सामने हैं, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं स्थिति की क्या कुछ है। जो आंदोलनकारी है तमाम वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जमावड़ा जो है वो जुड़ता जा रहा है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें और सड़कों पर किस तरीके की तस्वीरें आंदोलन के दौरान, इस प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों की देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में ये बात भी निकल कर आ रही है सामने प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि जो राकेश टिकैत है अब से कुछ देर बाद वो यहां पर पहुंच जाएंगे। और लगातार एक ही मांग है आंदोलनकारियों की, कल रात